ऐप या मोबाइल डेवलपमेंट में तीन मेन चीज़ें देखी जाती हैं. सबसे पहले तो एक्विजिशन है, और एक्विजिशन के डिफरेंट चैनल्स हैं. आप पेड से भी डाउनलोड लेते हैं और आप ऑर्गेनिक से भी लेते हैं. ऑर्गेनिक के ऊपर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई जो कि ASO कहलाती है, कि कैसे आप ऑर्गेनिक रीच से आप डाउनलोड ले सकते हैं. उसके अलावा भी चैनल्स हैं, गूगल सजेस्ट करता है, मतलब एंड्रॉयड और iOS जो हैं दोनों रिलेटेड ऐप्स में दिखाते हैं कि अगर आपने किसी ने एक ऐप डाउनलोड की हो, आपसे मिलती जुलती आपकी ऐप सजेशन उनको चली जाती है कि भाई अगर आपने एक डाउनलोड किया तो आप ये दूसरी 10-15-20 सजेशन हैं, शायद आप ये भी डाउनलोड करना चाहें. तो ऐप स्टोर के ऊपर या प्ले स्टोर के ऊपर ये चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्विजिशन एक चैनल है. सो आप एक्विजिशन के लिए जो जो कर सकते हैं वो आप करें. आप सोशल मीडिया करना चाहते हैं अपनी ऐप की, कम्युनिटी बिल्ड करें, फॉरम बना लें, वेबसाइट बना लें, आप उसके जो है ईमेल सब्सक्रिप्शन लिस्ट बना लें, आप अल्टीमेटली यूज़र्स को कहें कि आप हमसे बात करें, फॉरम बना लें कि उनका जहाँ पर वो आपसे बात कर सकें. सो वो सारी एक्विजिशन चीज़ें हैं. मेन चीज़ जो बनती है ना वो है रिटेंशन. सो एक्विजिशन के बाद रिटेंशन आती है कि यूज़र को आपने एक्वायर तो कर लिया, अब उसको रिटेन करना है. रिटेन करने के लिए दो तीन चीज़ें मेजर होती हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम रिटेन करना है. इसमें मैं मज़ीद बात करूँगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि रिटेन करने के बाद आपने बेसिकली मोनेटाइज करना होता है. सो पैसे कमाने वाला काम सबसे आखिर में आता है. पहला गोल है आप एक्विजिशन करें, दूसरा गोल है आप उनको रिटेन करें, तीसरा गोल है कि आप पैसे बनाएं. तो बेसिकली अगर आप रिटेन करने में कामयाब हो गए तो आप पैसे तो बना ही लेंगे. उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों. सो होता है क्या है कि आपने ASO से अट्रैक्ट किया लोगों को, आ गए डाउनलोड, आ गए ऑर्गेनिक रीच, आ गई, आपने ऐड चला दिए तो भी डाउनलोड आ गए, आपने उसकी क्या कहते हैं वेबसाइट बनाई तो लोग गूगल से सर्च करके आ गए. लेकिन इसमें आपने ये भी देखना है कि अगर वो एक्वायर कर लिया आपने यूज़र, तो आ कहाँ पर रहें, वो करेगा क्या आके, वो आपकी ऐप में अब क्योंकि उसकी आपकी ऐप ने उसकी डिवाइस पे एक घर बना लिया, अब वो उधर इंस्टॉल्ड है, वो जब भी अपने डिवाइस में लॉगिन करेगा, उसको ओपन करेगा, उसको वो डिवाइस नज़र आएगी, मतलब उसको वो ऐप नज़र आएगी अपनी डिवाइस के अंदर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने उसको रिटेन करना है. रिटेन करने से मुराद ये कि वो ऐप वहाँ पर रहे और उसको यूज़ करता रहे. यूज़ करने के लिए देखें ऐप क्या है वो डिपेंड करता है कि आपने आपका क्या बिज़नेस मॉडल है, आपने क्या गेम बनाई, क्या ऐप बनाई. ज़बरदस्ती आप किसी से कोई चीज़ यूज़ नहीं करवा सकते. अगर आपकी ऐप इंटरेस्टिंग होगी, एंगेजिंग होगी, तो वो उसको खुद ही यूज़ करेगा, उसको ज़रूरत है तो उसको खुद यूज़ करेगा. लेकिन रिटेंशन में, क्योंकि रिटेंशन सबसे मेन पार्ट है, जब आप कोई यूज़र रोज़ यूज़ कर रहा होगा ना, तब आप उससे पैसे भी बना लेंगे. तो रिटेंशन इस कदर इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिटेंशन को आप इस तरह से ले लें कि आपकी ऐप जो है एक पानी की बाल्टी है, और उसमें आप पानी डालते हैं, उसमें पानी भर जाता है, लेकिन अगर उस बाल्टी में सुराख हो नीचे, तो आप जितना मर्ज़ी उस पानी में उसमें पानी डालते रहें, वो नीचे से लीक होती रहेगी और अल्टीमेटली पानी सारा ख़त्म हो जाएगा. यही चीज़ वैलिड है आपकी ऐप्स की इंडस्ट्री में, कि आप जितनी मर्ज़ी एक्विजिशन करते रहें, अगर आपके लीकेज है, अगर आपको लोग नहीं रुक पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो ऑटोमेटिकली वो लीक होते जाएंगे, मतलब कि वो छोड़ के जाते रहेंगे, आपकी गेम को अनइंस्टॉल करते रहेंगे. तो आपने ये इंश्योर करना है कि आप जितने भी लीक्स हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप फिक्स करें, ताकि यूज़र एक्वायर करना, जो कि एक मुश्किल काम है और महंगा काम है, क्योंकि ऐसा ऐसा जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपकी एफर्ट ASO पे, आपकी एफर्ट एड्स के ऊपर और आपका जो स्पेंड है वो बढ़ता चला जाएगा. अगर आपने एक्विजिशन पे इतने पैसे लगाए हैं, उसको आप रिटेन ना करें और वो आए और चला जाए, तो सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे आपके. सो आपने एक्विजिशन को मेन फोकस करके जब एक्विजिशन कर ली, तो उसको कोशिश करें कि रिटेन करें. 100 बंदे आए हैं तो 100 रुकें भी, अगर 100 नहीं रुकने, कम से कम 80 रोक लें, 80 रुकने से कम से कम 50 रोक लें. मतलब कि आपकी रिटेंशन रेट क्या है आपको खुद पता होना चाहिए, कि रोज़ के 100 डाउनलोड हैं तो रोज़ के अनइंस्टॉल कितने हैं. अगर रोज़ के 100 अनइंस्टॉल हैं, इसका मतलब कि 100% चर्न रेट है. चर्न रेट का मतलब ये है कि जितने लोग इंस्टॉल करते हैं, उतने लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं. ये एक फ्लॉप स्ट्रेटजी है, और ये फ्लॉप स्ट्रेटजी की वजह से होगा ये कि अल्टीमेटली आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे होंगे आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, उनको रिटेन नहीं कर सकेंगे, और रिटेन करेंगे तो पैसे मिलेंगे. सो ये याद रखें, पैसे हमेशा बाय प्रोडक्ट होते हैं एंगेजमेंट के या रिटेंशन के. अगर आपका यूज़र आपसे इतना इतना इंटरेक्टिव रहेगा कि भाई ठीक है, आपको वो पसंद करता है, वो आपको रोज़ाना यूज़ करता है, तो आपसे फिर ऐसा ऐसा एंगेजमेंट बढ़ाएगा. अगर आप गेम चला रहे हैं तो गेम में वो इन ऐप परचेजेस करेगा, वो बाय करेगा, कॉइन्स बाय करेगा खेलने के लिए, क्योंकि उसको गेम अच्छी लगती है, तो वो उसमें मज़ीद इन्वेस्ट भी करेगा. तो बेसिकली ये भी एक गेम, जो गेम की तरह ऐप्स जो हैं, अगर उसको ऐप अच्छी लग रही है और आपका मॉडल है कि जिसमें प्रीमियम और फ्री आप दोनों मॉडल दे रहे हैं, तो वो फ्री से प्रीमियम में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको आप अच्छे लग रहे हैं. तो जब तक कि वो ऐप को यूज़ नहीं करेगा, वो रिटेंशन वो अचीव नहीं करेगा, तो मोनेटाइजेशन नहीं होगी. तो रिटेंशन मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जॉब में. आपने कोशिश करनी है कि मार्केटिंग से उनको रिटेन करें, लेकिन आपकी जॉब एक लिमिटेड हद तक ही आप कर सकेंगे.
अगर प्रोडक्ट ही नहीं अच्छी, अगर वो उसमें गेम स्ट्रेटजी नहीं है, गेम में अगर इंटरेस्टिंग नहीं रहा, या ऐप की कोई समझ नहीं आ रही लोगों को, तो आपकी मार्केटिंग वहाँ कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि प्रोडक्ट ही फ्लॉप है। तो असल में वो प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छी है और लोगों को नज़र नहीं आ रही, फिर मार्केटिंग का काम आता है कि वो एक्विजिशन करें, एक्विजिशन के बाद रिटेन करें, रिटेन के बाद फिर उनको मोनेटाइज करें। सो ऐप के बिजनेस में ये तीन मेन चीज़ें हैं, लेकिन ASO की हद तक आप बात करें तो ASO सिर्फ एक्विजिशन की हद तक रहती है, बट आपको पोस्ट जो है एक्विजिशन वो भी स्ट्रेटजी बनानी होती है कि आप एंगेजमेंट रखें, क्योंकि ये काम मार्केटिंग के अंदर आता है। और मैं समझूंगा कि अगर आप ASO कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ASO से ऊपर जाके मोबाइल मार्केटिंग पूरी अपने अंडर लेकर आएँ, ताकि आप पूरी मोबाइल मार्केटिंग करें, और मोबाइल मार्केटिंग में आप पेड भी करें, आप उसका कम्युनिटी एंगेजमेंट भी करें, लोगों को रिटेन करें, लोगों को एजुकेट करें, उसके बाद लोगों को एक ग्रुप बना लें, कम्युनिटी बना लें एंथुजियास्ट की, जो कि आपसे बड़ा एंगेज्ड हैं, उनको मौका दें आपसे बात करने का, उनकी बातों का जवाब दें, उनसे एंगेजमेंट रखें, ईमेल प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा, रिटेंशन बढ़ती है, जब उनको लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारी सुनी जा रही है, हम सजेशन दे रहे हैं, वो इंप्लीमेंट हो रही हैं, देन वो रिटेन भी रहेंगे, और फिर वो आपको ओन करेंगे और आपकी मार्केटिंग इन्वेस्टर बन के लोगों को बताएंगे कि भाई ये ऐप बड़ी अच्छी है। अगर आप इसमें फ्लॉप हो जाएंगे तो अल्टीमेटली अगेन वो पानी की बाल्टी वाली एग्जांपल याद रखें, जितना मर्ज़ी आप पानी डालें वो लीक होता रहेगा, जितने मर्ज़ी आप डाउनलोड ले लें अल्टीमेटली लोग आपको छोड़ के अनइंस्टॉल करके चले जाएंगे।